इन्हों दोस्तों एक दिन मैं गल के उत्ते छुरी रख दी सी। मैं क्या इन्हें नहीं बचना, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं मनिया। मैं अच्छा अल्लाह वारसा इलाज कर दे। माशाल्लाह इस जगह पर बच्चा निकल आया एक बड़ा ही जबरदस्त जोड़ा वा। इस जगह के दोस्तों दो बच्चे आ, इन्हों की कहानी इस तरह कि एक बच्चा जोड़ा वा लाल जहा था मगर, एक जो सफेद जो लाल बच्चा वा ये निकलिया सगा वो सैड पर कट्ठे ही समझ लो एको देनी दोवें एक एक आंडा से दोवे थले एको देनी दोवे ने बच्चे निकले। मैं इस तरह किया उधर बच्चा चक्के थले रखता दो दिन हो गए रखे माशाल्लाह चोगा दे रहा वा इन ठीक हो। सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल जे? उम्मीद करदा सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होणगे जी। दोस्तों अलहमदुल्ला अल्लाह पाक दा शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हाँ। और दोस्तों तुहानू जिस तरह की पता कि कल मैं वीडियो शेयर की जिहदे विच दो बच्चियां दे जहर बाज़ सी मूँह दे विच, ते उस तो बाद एक कबूतर जिहड़ा वा जिहनू मसला बन गया सी पोट दा, पोट रोगी सी गलच दा भी सीगा, ते उहनू कल दित्ती आ तुहाडे सामने अनार देना जिहड़ा उबाल के उहदे नाल काफ़ी फर्क पै गया जिहड़ा पोट, ते हुण उहदी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चलन लग पई है, गलच दा भी नहीं गा और जिन्ना भी पानी उहनू दिंदे उह सारा ढोर जांदा वा हजम कर जांदा वा। तो दोस्तों अज उन्हें माशाल्लाह छड्डिया सी, उन्हें हल्का फुल्का जिहा दाणा पानी खाधा वा दाणा, तो हुण उन्हें रह गया मसला सोकड़े का। इन्हों मैं ना इस तरह आया देखो लैदा बंद किया वा, बंद लैदा इस तो किया वा कि बाकी कबूतर इन्हू मार दे, क्योंकि जो कबूतर सोकड़े जाता कबूतर कमजोर हो जाता वा उस जान घट होंगी है, फिर बाकी कबूतर उन्होंने कोशिश करते कि मार ही देिए, तो इस करके बाकी कबूतर मारते थे, तो मैं इन्हू इधर लैदा बंद कर दिता इस कूडे। तो दोस्तों इन हूँ आप जाना कच्ची लस्सी बना के देनी है, जिहड़े तरीके कारण मैं बना के दिना उसी तरीके कारण तुहानू शेयर करांगा। और इन शाला अलहमदुल्ला काफ़ी कबूतर जिहड़े कईयां नूं सोकड़े का मसला तो आता रहिंदा ना, इहदे विच मैं ठीक कीते। इत्थे एक एक लाल सिरी मादी आ, इत्थे एक मोजी पट्ठी सीगी उहनूं सोकड़ा हो गया सी, उह ठीक हो गया। उस तो बाद लाल चीना कबूतर सी सोकड़े च हो गया सी, उह वी माशाल्लाह ठीक हो गया सी। तकरीबन जिहड़ा सोकड़े वाला मसला ना उह इस नुस्खे तो उत्ते कोई नुकसान नहीं गा। जो कच्ची लस्सी वाला बना के जिस तरह मैं दिना ना उस तरह तुहानू शेयर करांगा इंशाल्लाह। सारी वीडियो वेखियो और जरूर तुहानू फायदा होएगा। तो दोस्तों गल है कि अज सुबह सुबह तकरीबन 10:30 का टाइम आ, वजह है कि बनी कुछ काम सीगा थोड़ा तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर इतों साडा शहर आ, उत्थे काम सीगा गया सीगा। तो जो मैं गया उदो कबूतर मैं अड़ा गया सीगा, तीन कबूतर अड़ा गया सीगा, दो वड्डे कबूतर ते एक वड्डी कबूतरी। वो फिर तकरीबन हो गया अद्धा घंटा, भाई मेरा दसदा कि भी वह आण के बह गए सी, तो मैं उन्होंने ताड़ दिता सीगा, तो उन्होंने ताड़ दिता, दाणा भी पानी भी इन्होंने भी पा दिता, उन्होंने भी पा दिता। तो बाकी मैं अंदर थोड़ा चल के तुहानू कंडीशन दिखाउंदा वा अपने खुडे की। तो खुडे की कई दोस्तों ने कल वाली वीडियो के थले कमेंट्स किए भी अपने खुडे की सफाई करो, सफाई भी इंशाल्लाह जी करांगे। सफाई मैं करता रहना, लेकिन फिर भी तुहानू पता कबूतर ज़्यादा ने, फिर वो जल्दी सफाई करने वाला बन जाता सिस्टम। जाल के विचों दूजे दिन तीजे दिन सफाई करी दी, धो दीदा इनू, तो अंदरों जी कोई महीने दो महीने बाद करी दी सफाई, तुहानू पता डेली डेली सफाई नहीं होंदी, तो वह भी इंशाल्लाह अज कर देंगे वीडियो तो बाद। तो कल इंशाल्लाह साफ सुथरा खुडा तुहानू नज़र आएगा। तो उस तो बाद अपने जिहड़ियां चिड़ियां सी माशाल्लाह, वो चिड़ियां वाले बजरी तोते जिहड़े आ उहनां दे मैं खुडे विच इक्को ही सीगी, अपने को कुजी पई, वो मैं बन्न दित्ती आ। तो लेकिन हाले तिकर पता नहीं मैं वो नहीं की भी उहदे विच कुजी च जान लगियां जां नहीं, तो मैं तुहानू वह भी दिखा दिंदा जी। दोस्तों है एक ना बूटी है पखड़े की, इनू पखड़ा कहने असी, तो बाकी दोस्त पता नहीं की कहें नहीं कहें। यह ना कंडे जे लगे होंगे इन कि दाणा पानी, दूसरा इन्हों बाजरा पाया वा मिक्स दाणा कणक राया पाया वा, तो पानी इन्होंने किया, तो वह कुजी बनी दोस्तों, तो कुजी चले नहीं जान लगे, तो जान लग जाएंगे कुजी चाहता आस्ता जी। दोस्तों इधर आ गया मैं दूसरे कबूतर वाली साइड पर, इस खुडे की भी सफाई करने वाली, खुडे दोवें तकरीबन दोवों की सफाई करने वाली है, गंद बड़ा बनया वा देखो, क्योंकि कबूतर बीठा कर करके गंद बहुत ज़्यादा जरा हो जाता वा। तो दोस्तों मैं जी कबूतरी की गल कर रहा है मोजी है, इन्हें जो सोकड़ा हो गया से बहुत ज़्यादा, तो हूँ माशाल्लाह ठीक है, हूँ सोकड़े चो बहर जो तरीकाकार मैं तुम्हें शेयर करना गा यही मैं किया। उस बाद जनाब एक ए कबूतरी सी, इनू तुसी वेख्या होना वीडियो दे विच, इनू इहदे कन्न वगन लग पए सी, इह मसला ते पहली दफा ही सुनिया सी तुसी सारे दोस्तां ने, ते इहदे कन्न वगन लग पए सी, ते उस तो बाद इह ना समझ लो मरण ते आ गई सी। इहदे मूँह जिहड़ा उदों दा बहुत खुला सीगा, हुण ते घट हो गया, हुण दाणा पानी इह वा खांदी आ अपने आप ही। इनू मैं तकरीबन महीना पूरा हाथ दे नाल ही खवाया दाणा पानी, ते और इह वी सोकड़े चल गई सी, इह वी माशाल्लाह ठीक हो गई आ, ते मूँह वी आस्ते आस्ते आप ही बंद हो रहा वा। तो इनू दोस्तों एक दिन मैं गल के उत्ते छुरी रख दी सी, मैं क्या इन्हें नहीं बचना,
लेकिन फिर मेरा दिल नहीं मनिया, मैं क्या अच्छा अल्लाह वास्ते इलाज करते हैं, तो अल्लाह पाक का शुक्र है ठीक हो गई है हूँ, है ना, बहुत बेहतर देखो बिल्कुल ठीक है हूँ। तो ये नाल का नर वो बैठा वा, नर ना इस ना लगी सी क्रास बड़ा प्यारा बैठा सी इन्हों का, तो हले तक जोड़ा नहीं लगा, दोबारा तो इन्हों लावे जोड़ा, तो चलना दूसरे साइड पर जी। दोस्तों वड्डे खुड्डे च आ गया मैं, हले थोड़ा दिन हो तकरीबन महीना भी नहीं होया मैं सफाई की सी, लेकिन फिर भी दोबारा तो फिर सफाई करने वाला होया पाया वा मसला, कोई मसला नहीं करते हैं, शौक है शौक का कोई मुल नहीं, शौक दे विच कोई शर्म नहीं गी, सफाई करा इंशाल्लाह अज वीडियो तो बाद। तो दोस्तों इस जगह पर जो दो बच्चे से कल बड़ा अफसोस होया मैंने, दोवे बच्चे ने एक तो उदो ही मार गया वीडियो बनाने बनाने थोड़ी देर बाद, एक मैं शामी जो वेखन आया तो उदो में वह भी मरिया पाया। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, कोई नहीं, बाकी है ने अपने को बच्चे माशाल्लाह काफ़ी निकले ने, तो काफ़ी दोस्त कह रहे हैं भी वो चिट्ठियाँ खा लेने बच्चों का शौक करवाओ स्पैशल कह रहे हैं, तो इस करके मैं वीडियो जी जो शौक करवा दें, ऐ वेख लो है बच्चे तकरीबन हले 12-13 दिन के हुए ने, जिमें बच्चे तैयार हो जाएंगे तो तुम इंशाल्लाह दोस्तों शौक भी करा देंगे। तो दोस्तों ए बच्चा वा जो कबूतर अपने सोकड़ा हो गया हूँ, ए बच्चा वा जी, एक बच्चा निकलिया से माशाल्लाह कबूतरी ने चोगा दिता वा सुबह भी, चोगा नहीं दाना दिता, पानी नहीं है पोर्च, हूँ मैं खोलिया कबूतर हूँ पानी देंगे इन लिया के, बाकी थोड़ी देर तक मैं वेख लाँगा अगर पानी ना दिता तो इन आप हाथ के पानी दे देंगे सरेंद के नाल। उस तो बाद माशाल्लाह इस जगह पर बच्चा निकल आया एक बड़ा ही जबरदस्त जोड़ा वा, इस जगह पर दोस्तों दो बच्चे आ, इन्हों की कहानी इस तरह कि एक बच्चा जोड़ा वा लाल जहा तो मगर है, एक जो सफेद जोड़ा लाल बच्चा वा ये निकलिया सीगा वह सैड पर, तो कट्ठे ही समझ लो एको दिन ही दोवें एक एक आंडा से दोवे थले एको दिन ही दोवे बच्चे निकले, मैं इस तरह किया उधरों बच्चा चाह के ये थले रखता, तो दो दिन हो गए रखे माशाल्लाह चोगा दे रहा वा इन ठीक हो गया, तो बड़ा बेहतरीन काम हो गया, दोवें एको जे पालते पे ने, और ये जो जोड़ा बच्चे पालते बहुत टीरी मारती है देखो, इस तरह के नयाब कबूतर ही होंगे जो टीरे हो गए चिट्टी काली हो गए काली चिट्टी हो गए इस तरह के खट्टी काली हो गए, बड़े औखे जे लभदे ने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जी ग्रोथ होगी इन्हों की, क्योंकि इन्हों का माँ प्यो जो चोगा दिता ही बहुत है इन्हों बच्चों, उस तो बाद जनाब इस जगह पर भी जोड़े ने आंडे देते हैं, तो ये आंडे जड़े चलो हले पे रह देने जोड़ा हो जाएगा आंडे का, फिर इन्हों के थले होर रख देंगे कोई जी। दोस्तों बाकी सारी सूरत हाल जी इस जगह पर की कहानी है, इस जगह पर दो बच्चे हैं जी माशाल्लाह दो बच्चे हैं, जी दोस्तों हूँ आप जरा चलते हैं कबूतर हाल तो इलाज जरा करते हैं अच्छा इंशाल्लाह रिकवर उन्होंने जल्दी करा इंशाल्लाह जी। दोस्त है बैठा जी कबूतर इतों फड़ लें फड़ के तेनों आप जड़ा इन लस्सी बना के दें, लस्सी जी मैं बना लगा जे तरीके मैं बना के दिना उस तरीके शेयर कराँगा। दोस्तों 10 cc सरेंजा तो आप देंगे 20 cc बना के, तो इस तरह करते हैं कि सब तो पहले जरा आप तकरीबन जरा 5 cc दुध ले लाँगे, या दुध दुध गां का हो जाए बाज का हो जाए बकरी का हो जो मर्जी मिल जाए कोई मसला नहीं, दुध होना चाहिए वा, तो ये 5 cc ले लें ठीक हो गया। उस तो बाद जनाब ये आप 2 cc जरा सरों का तेल पावे जी दोस्तों 5 cc दुध, उस तो बाद जनाब ये आप 2 cc ए सरों का तेल आ, तो ये पा लेंगे 2 cc सरों का तेल, वैसे भी दे देंगे कई दोस्त 3-4 cc दे देंगे सुबह शाम, तो वो भी कबूतर जरा सोकड़े चो बहर आ जाता, लेकिन मेरा तरीकाकार मैं जरा उड़े शेयर कराँगा। काफ़ी दोस्तों ने कल काफ़ी कमेंट्स किए बड़ा अच्छा लगा भी जिस तरह मैं लोगों शेयर करदा वा इस तरह, चलो कई दोस्तों ने मेरे नाल भी शेयर किया, तो करना चाहिए शेयर, चलो बीमारियों के मुतलक तो किसी का फायदा होना चाहिए वा। तो यह दोस्तों तकरीबन 2 cc है तेल, तो लाजमी जो अपने नाल हुंदा वा जो तुहानू दोस्तों बीमारियों के मुतलक पता वा जिस तरह अखां खराब आ, इहदे विच भी काफ़ी दोस्तों ने जिहड़ा मैनू गाइड किया सी, उस तो बाद जिस तरह फिर पोड़ बंद हो गई जिस तरह भी जो जो बंदे को जो जो नालज हों ना लाजमी शेयर करो,
बेशक अपने चैनल बना के तुसी शेयर करो, बाकी किसी ना किसी तरीके शेयर करो, नहीं तो मैनू दस दया करो, मैं तुहाडा जिहड़ा तरीका कर उह तुहाडा नाम लैके शेयर कर दिया करांगा, ताकि किसी दोस्त का भला होना चाहिए। तो दोस्तों 15 cc जिहड़ा पाए दे विच ना पानी पा लैंदे 15 cc जी दोस्तों, इहनू फिर अच्छी तरह ना तिन्ने चीज़ां नू मिक्स करके तो फिर इहनू आपां सरेंदे विच पा लैंदे आ जी दोस्तों। सरेंदे विच पा लिया वा इहनू, तो 20 cc की सरेंज मैं लभ लिया, तो 20 cc हो गया वा इस कबूतर 20 cc दें। माशाला कबूतर अगे ना बड़ा फिट हो गया वा, क्योंकि हुण तुहाडे सामने वीडियो दे कबूतर निकल के बाहर भी चल गया सी, कल तो बिल्कुल ही हिलदा नहीं सी पिया। तो उवें थलों हड्डी हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता पूरी होएगी, एक दो दिन जो ना थोड़ा जिहा एक्टिव हो जाएगा फिर आप हड्डी के उत्तों पर पड़ देंगे, पोटे तो पर पड़ देंगे, हले नहीं क्योंकि हले तो बिल्कुल अगे ही माड़ा वा, तो अल्लाह खैर करेगा। तो दोस्तों इहनू दिंदे आ जी दोस्तों, राम राम ने दे देने क्योंकि सरेंज थोड़ी सख्त है। लो जना 20 cc जिहड़ा ना तेल पानी ते दूसरा लस्सी बन गई है, वो ये अंदर चल गई है, हुण अल्लाह खैर करेगा जिहड़ा ना बड़ी जल्दी फिट हो जाएगा। तो इनू रखना आपां कबूतरां नालों लैदा ही है, ताकि इनू कबूतर मारन ना इनू तंग ना करन, तो इंशाल्लाह इसे पिंजरे पा के इत्थे अंदर ही रख दिंदे आ। तो ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों ने वीडियो पसंद आई होएगी, वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक शेयर लाजमी कराया करो और चैनल में लाजमी सबसक्राइब कराया करो, तो आड़ी सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा वा, देख सकते हो पसीने के नाल किस तरह बुरा हाल हो गया। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह गां मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।